हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूथ्स पूछ रहे हैं कि सर, ये मोबाइल फ़ोन का जो डिस्ट्रैक्शन है, इससे हम आज़ाद कैसे हुए? बहुत परेशान करके रखा है इस मोबाइल फ़ोन ने। हम पढ़ने बैठते हैं तो वहाँ पे डिस्टरबेंस होता है, हम कोई भी काम करते हैं ना तो ये मोबाइल फ़ोन हमको करने नहीं देता। सर, तो इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने, देन मुझे लगा यार, मैं भी तो मोबाइल फ़ोन काफ़ी देखता हूँ, लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोची कि नहीं यार, जब काम का टाइम होता है शायद मैं मोबाइल फ़ोन को अवॉइड कर लेता हूँ, क्योंकि काम बहुत है। तो दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत बड़े साधु हुआ करते थे, और वो साधु का एक नियम था कि जब कभी भी वो मेडिटेट करते थे, मेडिटेट करने के बाद वो अपने भक्तों से कुछ खाने के लिए मांगते थे, तो और जो भक्त होते थे वो खुशी खुशी उनको वो चीज़ खाने के लिए देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वो खाने के बाद जो साधु विजडम शेयर करते थे, पास ऑन करते थे, जो ज्ञान भक्तों में बांटते थे, वो बहुत अमेजिंग होता था। हर भक्त उनके ज्ञान से कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करता था। तो इन शॉर्ट, साधु जो है वो बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे। तो एक रोज ऐसा हुआ कि साधु फिर से तपस्या में, अपने मेडिटेशन में लीन थे। उन्होंने आंखें खोली, बहुत सारे हजारों भक्त खड़े थे। कोई इडली लेके खड़ा था, कोई डोसा लेके खड़ा था, कोई अपने मनपसंद की चीजें लेके, दाल चावल लेके खड़ा था। साधु जी की तपस्या खत्म हुई, उन्होंने आंख खोली, और आंख खोलते ही उन्होंने बोला कि यार मुझे आज नेपोलियन ब्रांडी चाहिए। भक्त स्तब्ध हो गए, टेंशन में आ गए, अरे बापरे साधु जी ने क्या मांग लिया। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों की सोच कितनी बड़ी है। तो एक भक्त के पास नेपोलियन ब्रांडी थी, और उन्होंने सामने ला के रख दी। तो नेपोलियन ब्रांडी की बॉटल सामने रखी है, साधु जी ने आंखें खोली, मतलब साधु जी ने कहा कि यार तुम सब लोग तो आश्चर्यचकित हो गए होगे कि नेपोलियन ब्रांडी कैसे मान ली साधु ने। तो भक्त ने कहा, बिल्कुल महाराज जी, हम तो बहुत टेंशन में आ गए। तो साधु जी ने कहा कि यार मैं क्या बताऊँ, मेरी इच्छाएं इतनी है ना कि मैं तुमको अगर अपनी इच्छाएं गिनाऊंगा ना तो तुम लोग मेरे को क्या बोलोगे, डांटोगे, मारोगे, पता नहीं मुझे। क्योंकि मैं भी अभी ना जो अपनी इच्छाएं हैं उनके बंधनों से मुक्त नहीं हुआ यार, मैं भी अपने मोह माया से के इस जंजाल से मुक्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है। ऐसा साधु नहीं करना चाहिए, बट करता है, क्योंकि मेरा शरीर जो है ना उसको लगता है कि यार मैं इस नेपोलियन ब्रांडी के बिना ना इनकम्प्लीट हूँ। तो सब एकदम स्तब्ध रहे, बोले अरे यार किसकी बात मानते हैं हम आजकल, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर साधु ने ये कहा कि देखिए ये बॉटल मेरे सामने है, देखिए सार क्या है स्टोरी का, ये बॉटल मेरे सामने है, मेरा दिल, मेरा मन, मेरा शरीर ऐसा फील कर रहा है कि मैं इस बॉटल को टच करूं, बट मेरे हाथों के ऊपर मैंने इतना कंट्रोल करके रखा है, इन हाथों को मैंने इतना बांध के रखा है ना कि ये हाथ उस बॉटल को टच नहीं करेंगे। भले मेरा मन कितना भी करे, मेरा शरीर कितना भी इच्छा करे कि मुझे वो नेपोलियन ब्रांडी पीनी है, बट ये जो मेरे हाथ है ना, इनके ऊपर मैंने बहुत जोर से कंट्रोल रखा है कि ये हाथ उस बॉटल को टच नहीं करेंगे। क्योंकि जब ये हाथ उस बॉटल को टच नहीं करेंगे, ये हाथ जब उस बॉटल को टच नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली मैं वो दारू नहीं पी पाऊंगा, भले मेरा मन कितना भी ज़्यादा कर रहा हो। छोटा सा मैसेज जो है वो ये है कि किसी भी चीज़ को हम परमानेंटली अगर अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, तो याद रखिए उस चीज़ को हमें अपनी लाइफ से टेम्पररली हटाना पड़ेगा। मतलब वो साधु अगर एक दो तीन बार अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल कर लें कि नहीं, आई एम नॉट सपोज टू टच दैट बॉटल, तो लाइफ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनको कि बॉटल अपने आप उनके मुंह में चली जाए, ऐसा तो नहीं है जब तक वो टच नहीं करेंगे। तो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल रखना। याद रखिए अगर आप किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए छोड़ दें तो वो चीज़ आपको परमानेंटली छोड़ देती है। ये बहुत बड़ा बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या हम अपने मोबाइल फ़ोन को यार थोड़े समय के लिए छोड़ सकते हैं? मोबाइल वहाँ पे रखा हुआ है, बहुत सारे फ़ोटोज़ आ गए हैं फेसबुक पे, बहुत सारे फ़ोटोज़ पे लाइक आ गए हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ गए हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मेरे जो फेवरेट स्टार्स हैं उनके वीडियोज़ आए हैं। ठीक है, मन कर रहा है मेरा, बट क्या मन को, ठीक है मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, बट क्या मैं अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल नहीं ला सकता कि नहीं यार मैं उस मोबाइल को टच नहीं करूँगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ मेरा जो जिम्मेवारी है वो करियर संवारना है। और याद रखिए यार, जिसने फेसबुक बनाया उसने बहुत पैसा कमा लिया फेसबुक बना के, जो यूट्यूब पे जो लोग स्टार्स अपने वीडियो डाल देना वो बहुत पैसे छाप लिए हैं बच्चों। तो हमने अभी तक लाइफ में क्या अचीव किया है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रायोरिटी, अच्छा अगर हम पढ़ाई को भी टेम्पररी छोड़ देना तो याद रखना वो पढ़ाई भी हमको परमानेंटली छोड़ देगी। इसलिए जो भी अपनी खराब आदतें हैं, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, सिगरेट आपके सामने रखिए, आपका मन कर रहा है पीने के लिए, आपको लगता है कि सिगरेट के बिना आप लाइफ में इनकम्प्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथों को इतना मजबूत बनाइए कि मेरे हाथ उस सिगरेट को टच नहीं करेंगे। आप देखिए और थोड़े टाइम तक ऐसा कीजिए, आप गारंटी देता हूँ मैं वो सिगरेट पीने की आदत आपको लाइफ में परमानेंटली छोड़ देगी। सो
ये मैसेज मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो, और प्लीज़ अपने करियर पे फोकस करें, लेट्स मेक अ बेटर इंडिया और अपने करियर को बहुत तगड़ा बनाएं। थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार। अगेन कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरे से किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी आपके लिए इस टॉपिक पे वीडियो बना के। थैंक यू सो मच।